मोहिनी मंत्र। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे अगर किसी ने भी सिद्ध कर लिया तो वो अपने आसपास के सभी लोगों को बड़ी ही आसानी के साथ वश में कर सकता है। वो जो चाहे वो पा सकता है, चाहे वो पैसा हो, रुतबा हो, या फिर किसी भी इंसान को अपने वश में करके उससे मनचाहा काम करवाना हो। कहते हैं कि इस मोहिनी मंत्र का प्रयोग भगवान विष्णु ने तब किया था जब समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए राक्षस और देवताओं में संघर्ष चल रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राक्षसों पर मोहिनी मंत्र चलाकर उन्हें अपने वश में कर लिया था। दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग आज भी होता है, परंतु इसके बारे में खुलकर कोई नहीं कहता। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर मोहिनी मंत्र क्या है और इसे कहां कहां लोग इस्तेमाल करते हैं और इसे कैसे करना चाहिए। दरअसल मनुष्य योनि में रहकर जो कार्य करना बेहद ही असंभव थे, उन्हीं कार्य को आसान बनाने के लिए मंत्रों का उपयोग हजारों सालों से ऋषि मुनि किया करते थे। ये मंत्र प्राचीन काल में भी प्रभावी थे और आज भी परिणामदायक है। ये अचूक मंत्र है मोहिनी मंत्र। कितने ही लोग इसे वशीकरण करने वाला मंत्र भी कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग इस मंत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। वास्तव में ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड को मोहित किया जा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इस मोहिनी मंत्र को सच्चे लगन एवं विधि विधान के साथ सिद्ध किया जाए। कहते हैं कि इस मोहिनी मंत्र का प्रयोग भगवान विष्णु ने तब किया था जब समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए राक्षस और देवताओं में संघर्ष चल रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राक्षसों पर मोहिनी मंत्र चलाकर उन्हें अपने वश में कर लिया था, जिसके बाद ही राक्षस वो सब कुछ मानने लगे जो उस ब्रह्मांड सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने राक्षसों से कहा था। मोहिनी मंत्र से वशीभूत होकर राक्षसों ने अपने हाथ में आया अमृत देवताओं को दे डाला था। कहने का अर्थ ये है कि इस मोहिनी मंत्र में वो जादू है जिससे किसी व्यक्ति, समाज, देश अथवा समूचे ब्रह्मांड को सम्मोहित किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश पति पत्नी में आपस में अनबन हो जाती है तो ये मोहिनी मंत्र उन्हें फिर से प्रेम बंधन में बांधने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष अथवा युवक या युवती अपने व्यक्तित्व में चमत्कारी आकर्षण उत्पन्न करना चाहते हैं जिसके कारण लोग उनकी दीवाने हो जाए, तो ऐसे में ये मोहिनी मंत्र बहुत काम आता है। यदि साधक इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा और पूरे विधि विधान के साथ सिद्ध कर ले तो समाज में यश व धन आसानी से अर्जित कर सकते हैं। यदि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस मोहिनी मंत्र की साधना करके आप कंपनी के नियोक्ता पर अपना सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात साधक के चारों ओर दैवीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हर कोई उसके व्यक्तित्व के आकर्षण से प्रभावित हो जाता है। समाज में एक लोकप्रिय नेता बनने के लिए भी मोहिनी मंत्र सहायक सिद्ध होते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा प्रदान किए गए इस मंत्र के माध्यम से आप अपनी व्यक्तिगत छवि प्रभावशाली बना सकते हैं, जिसके कारण साधक, ग्राम प्रधान या निकाय चुनाव ही नहीं, विधानसभा और लोकसभा में भी अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस मोहिनी मंत्र को सिद्ध करने के क्या नियम हैं। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, जहां गुरु साधक का मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि किसी भी मंत्र का गलत तरीके से किया गया प्रयोग बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसीलिए इस मोहिनी मंत्र की साधना के पूर्व साधक को किसी योग्य गुरु का चयन कर उनका शिष्य बनना चाहिए और उनके संरक्षण में ही इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, तभी सफलता संभव है। कभी भी मोहिनी मंत्र को सिद्ध करने के लिए संकल्प लेते समय आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए पाप या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत उद्देश्य से इस मोहिनी मंत्र का जाप करने से आपको फायदे के साथ साथ नुकसान भी हो सकते हैं। मोहिनी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप नीचे दिए गए उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम मन, क्रम, वचन, शरीर और वस्त्र आदि से पूर्णतः पवित्र हो जाए। अपने निवास के एकांत स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाए। आप ऐसे स्थान पर मोहिनी मंत्र के जाप के लिए बैठे जहां आप बिना रोक टोक के घंटों साधना कर सकते हैं। साधना के पहले वातावरण को सुगंधित बना ले। इसके लिए धूप बत्ती का उपयोग किया जा सकता है। कुछ साधकों का ये कहना है कि यदि मोहिनी मंत्र का जाप रात्रि काल में किया जाए तो
तो अति उत्तम है। स्क्रीन पर दिए गए मोहिनी मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है। इसी मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ नित्य 21, 51 और 108 या इन्हीं के गुणन में माला का जाप करना है। इस मंत्र का जाप लगातार 21, 51 या 108 दिनों तक करें। इस मंत्र का जाप करने के दौरान मांस मदिरा एवं किसी भी प्रकार के द्वेष और दुर्भावना से दूर रहें। मोहिनी मंत्र का जाप करते समय आपके मन मस्तिष्क में उसी व्यक्ति की तस्वीर होनी चाहिए जिसे साधक द्वारा वशीभूत करना है। मोहिनी मंत्र जाप का क्रम टूटना नहीं चाहिए। जिस दिन मोहिनी मंत्र साधक द्वारा सिद्ध कर लिया जाता है उस दिन उसे वातावरण में एक भीनी भीनी सुगंध का आभास होने लगता है और उसके आत्मविश्वास में 4 गुना वृद्धि हो जाती है। साथ ही उसके चेहरे में एक आकर्षित कर देने वाली आभा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कई दूसरे मंत्रों पर वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।